पाकुड़ में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। दरअसल अमड़ापाड़ा में छात्रा के साथ रेप मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। परिवार के मुताबिक दूसरा अब तक फरार है। वहीं ग्रामीणों ने दूसरे आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक आवागमन ठप रहा। वहीं जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। उसके बाद सड़क जाम हटाया गया। हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, इसे दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन को भी। ये अभी तक हमारे प्रशासन यहाँ ग्रामीण यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों के लेके यहाँ पर खड़ी हैं। बच्चे के साथ घटना घटी 11 तारीख, आज हो गया 14 तारीख, लेकिन अभी भी प्रशासन की ओर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। इसलिए हम सरकार से कड़ी मांग करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जो आबोआ राज है, कम से कम यहाँ की बेटी सुरक्षित रहे। आज आए दिन यहाँ कैसी घटना घटती है, यहाँ के युवा को पीट पीट के रोड में मारा जाता है, ये झारखंड में देखने को मिल रहा है। हम मांग करते शासन से, प्रशासन से, और हम सरकार से ये मांग करते हैं, यहाँ के जो विधायक एमपी हैं, इस टिप्पणी में कोई अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं कि यहाँ जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र यहाँ के विधायक भी एक भी तक एक बयान नहीं दिए हैं, यहाँ के सांसद नहीं बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये आदिवासी बेटी के साथ ऐसा हुआ। यही घटना अगर दिल्ली बड़े शहरों में होता तो बड़े बड़े लोग यहाँ रैली निकालते, रोष प्रदर्शन करते, कैंडल मार्च करते, लेकिन एक आदिवासी बच्ची है आज, इसलिए यहाँ आदिवासी बच्चे लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चित्रगुप्त पूजा की पूर्व संध्या पर गिरिडीह में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति ने शोभा यात्रा निकाली। इस भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ शामिल हुई। 2 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी शहर की सड़कों पर निकल आए। झंडा मैदान से निकली शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः झंडा मैदान पहुंची। शोभा यात्रा में शहरी क्षेत्र के सदस्यों के अलावा जमुआ और पीरटांड प्रखंड से भी कई लोगों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में विभिन्न वाहनों पर परिवार के महापुरुषों के चित्र टांगे गए थे। शोभा यात्रा में टोटो से लेकर ट्रक जैसे बड़े वाहन भी शामिल थे। भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर के साथ वाहनों का बड़ा काफिला चल रहा था। शोभा यात्रा की खासियत ये रही कि केसरिया रंग के वस्त्र धारण किए विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। राजनीतिक मत भिन्नता के बावजूद एकजुटता के साथ शोभा यात्रा में सभी शामिल हुए। शहर का भ्रमण करने के बाद विवाह भवन में समाज की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी और पूरे दिन भर इसे लेकर उत्साह का माहौल रहा। के पूर्व संध्या पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी है तो एक काय समाज यहाँ जो केंद्रीय चित्र पूजा समिति की ओर से एक शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाल रहा है और इस शोभा यात्रा में प्रत्येक घर से महिला पुरुष बच्चे शामिल होते हैं और शोभा यात्रा यहाँ से हम लोग झंडा मैदान से विवाह भवन से निकल कर काली जेपी चौक, कालीबाड़ी होते हुए मगधपुर, बरगंडा होते हुए वापस पूरे यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद फिर भोज का आयोजन होता है, सब शामिल होते हैं। इसमें हम लोग राष्ट्र एकता को मजबूत करने के लिए एकता लाने के लिए सभी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कल।